बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ। सऊदी अरब बोल रहे हैं या जद्दा बोल रहे हैं? मैं इस वक्त जद्दा में हूँ, कुछ दिन यहाँ पर रुकूंगा, फिर सोचूंगा किस तरफ जाना है या क्या सूरत हाल है। बहरहाल जद्दा से अभी लाइव हूँ मैं, और जद्दा के कुछ मनाजर भी आपको इस वीडियो यानी कि आने वाली कुछ वीडियोज़ में दिखाता रहूँगा। तो इंटरनेशनल फ्लैट्स के मुतलक एक मैं अभी देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर खबरें गर्दश कर रखी हैं, कुछ न्यूज़ गर्दश कर रखी हैं। भाई इंटरनेशनल फ्लैट्स 20 अक्टूबर भी गुजर चुकी है, इंटरनेशनल फ्लैट्स बहाल नहीं कर रहा है सऊदी अरबिया, और ना ही अभी तक हमारे इकामे और छुट्टी बढ़ा रहा है। बहुत से भाई मुझे इस चीज़ को लेकर कमेंट भी कर रहे थे कि भाई, मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था कि मुझे एक दोस्त ने मुझे बताया, मैसेज किया है कि भाई अभी आप लोग फारग हो, न्यू वीज़ा के मतलब सोचो, क्योंकि सऊदी अरब ना तो फ्लैट्स ओपन करेगा ना आपके इकामे और छुट्टी बढ़ाएगा। और वाय दुबई वाला सिस्टम भी बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ से तो आप तब ही आ सकते हैं जब आपका इकामा यानी कि जो वैलिड वीज़ा है सऊदी अरब का वो बागी हो, क्योंकि आपको 14 दिन तो वहाँ पर रहना पड़ेगा। अभी आपका इकामा कितना बचा हुआ है? 8-10 दिन बस, जो कि आपका छुट्टी या आपका वीज़ा है सऊदी अरब का। तो भाई वाई वाला सिस्टम भी बंद है, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी बंद है, आपका इकामा आपकी छुट्टी भी अभी तक नहीं बढ़ाई गई है, पीछे दिन रह गए हैं जी 8 या 10 दिन, ठीक है। तो ऐसे भाई ऐसी जो न्यूज़ हैं, ऐसी वीडियो हैं, कोई भी बंदा आपको अगर बता रखा है या आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ देख रखे हैं तो उसके ऊपर यकीन मत करें। मैं खुद से आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके साथ एक पहले वीडियो शेयर की थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में आप भाइयों के साथ इंशाल्लाह ताला एक अच्छी खबर शेयर करूँगा, खुशखबरी आने वाली है, और वो इंशाल्लाह ताला आज रात को आ जाए भाई, कल को आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, आप भाइयों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह ताला। आराम से बैठे पाकिस्तान में, कोई किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी बंदे की कोई भी किसी किस्म यानी किसी बंदे के पीछे लगने की ज़रूरत है। आराम करें, आपके भाई आपके लिए इंटरनेशनल फ्लैट्स बहाल होंगी, नहीं होती जो कि मुझे अभी लग रहा है, और मेरे हिसाब से अभी होनी भी नहीं चाहिए। क्यों भाई? दिन कम है, वरना आपकी दौड़ें लग जाएंगी। अभी आपके इकामे और छुट्टी मज़ीद दिसंबर तक बढ़ जाने चाहिए, और मुझे लग रहा है कि आपके इकामे और छुट्टी दिसंबर तक बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन इसके मतलब जैसे ही कुछ कन्फर्म न्यूज़ आएगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसी बात नहीं बोलूँगा कि भाई आपके बढ़ रहे हैं आज रात को बढ़ रहे, ऐसा नहीं बोलूँगा। और मुझे पूरा यकीन है, यकीन से मुराद यही है कि जो मैं सिस्टम जो मामला देख रहा हूँ इनको देखते हुए बात कर रहा हूँ, कि इंशाल्लाह ताला भाई आपके इकामे आपकी छुट्टी जल्द बढ़ा दिए जाएंगे।